वेलकम टू माय चैनल एस के नॉलेज क्लास। दोस्तों आज का सवाल है, एक बाह्यतः बिंदु पी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेमी है तथा बिंदु पी की वृत्त के केंद्र से दूरी 17 सेमी है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। इस टाइप का सवाल में अक्सर विद्यार्थी फंस जाता है। दोस्तों आपको नहीं फंसना है, वीडियो को पूरा ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑन कर लीजिए। देखिए एक वृत्त है, वृत्त बना लिए हम, इसके केंद्र से पी बिंदु है, ठीक। केंद्र से जो है दोस्तों 17 सेमी है, यहाँ करा है ना, पी की वृत्त के केंद्र से दूरी 17 सेमी है दे दिए। उसके बाद यहाँ कह रहा है कि पी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 15 है। पी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेमी है। ओ क्यू, ओ क्यू क्या है, त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या, यही निकालना है। अब यहाँ ध्यान से आपको समझना है कि जहाँ वृत्त पर स्पर्श करता है ना, वहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ अगर 90 डिग्री का कोण बना दोस्तों, तो अब एक तरीका से समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण में क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा लंब, ई हो जाएगा आधार, ई हो जाएगा कर्ण। ये दोनों तो चेंज होते रहता है, लंब और आधार बदलते रहता है, लेकिन कर्ण वही रहता है। अगर इसको हम लोग लंब मानेंगे तो ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। यानी कि अब देखिए कर्ण और आधार दिया है तो लंब आसानी से निकल जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ लिखेंगे दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। क्या होता है सूत्र, सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, सूत्र होता है, ठीक। यही सूत्र पे हम लोग यहाँ बनाएंगे। देखिए कर्ण का स्क्वायर, कर्ण इसमें क्या है, पी ओ लिख सकते हैं, पी ओ इसका स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब इसमें हम लोग क्या माने हैं, ओ क्यू, ओ क्यू इसका स्क्वायर प्लस आधार, आधार क्या है, पी क्यू, पी क्यू इसका स्क्वायर, ठीक। अब देखिए पी ओ, पी ओ कितना है, 17 का स्क्वायर बराबर ओ क्यू, ओ क्यू तो निकालना है क्योंकि वृत्त का त्रिज्या है। चलिए इसको वही लिख देते हैं, ओ क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू, पी क्यू कितना है, 15 का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए 17 का स्क्वायर 289 हो जाएगा बराबर ओ क्यू का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, ठीक। हमें ओ क्यू बराबर निकालना है तो इसको इधर भेज देंगे, यहाँ लिखेंगे 289 माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस है तो माइनस 225 हो जाएगा बराबर ओ क्यू का स्क्वायर बचा, ठीक। ध्यान से आपको समझना है। अब देखिए 289 में 225 घटाएंगे 64 बच जाएगा, 64 बराबर ओ क्यू का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट हो जाएगा, यानी कि रूट अंदर 64 बराबर ओ क्यू, ठीक। 64 का वर्गमूल 8 निकल जाएगा, 8 बराबर ओ क्यू, यानी कि लिख देंगे वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या यानी कि R बराबर 8 सेमी। ये आपका आंसर हो गया क्योंकि ओ क्यू ही है वृत्त की त्रिज्या। तो इस टाइप का सवाल में अक्सर विद्यार्थी फंसता है, डर से छोड़ देता है। तो दोस्तों आपको पूरा रिवीजिंग कर लेना है, इसी प्रकार बनेगा भले अंक चेंज कर दे, ठीक। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑन कर लीजिए।